हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में किसकी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके बिहार पुलिस से रिलेटेड, आप लोगों के जो डाउट्स आ रहे हैं रिजल्ट, नॉर्मलाइजेशन एंड और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको हर एक चीज बता दी जाएगी। बट डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा एक बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और हाँ जी फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा है कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि आप लोगों की लगातार डिमांड बनी हुई थी कि सर हम लोगों का आखिरकार किया जाएगा कट ऑफ डेट वाइज और शिफ्ट वाइज, जैसे कि आपका 12 और 8 को एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो दोस्तों, दोनों ही वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्नर में जाएंगे तो आई बटन का साइन आ रहा होगा, आप वहां पे देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा नीचे तो आपको दोनों वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। यदि आप वीडियो के लास्ट तक जाते हैं तो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में भी वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं हर एक चीज को। तो जैसे कि डिफेंस आप देख सकते हैं, हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपका फर्स्ट डाउट, पहला जो कि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा कमेंट्स में देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, कहना है ये स्टूडेंट्स का कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन होगा हमारे एग्जाम में बिहार पुलिस में। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, कहने की कोई बात नहीं कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा। अब इसका रीजन क्या है? रीजन इसका यही है दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम एक दिन और दो शिफ्ट में कंडक्ट हुआ, फिर एक दिन दो शिफ्ट में कंडक्ट हुआ, इस प्रकार से आपका एग्जाम टू डेज एंड उसके साथ साथ फोर्थ शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। अब दोस्तों, आपको पता होगा चार शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम का लेवल एक जैसा रहा हो, किसी शिफ्ट में आगे किसी शिफ्ट में पीछे, बिल्कुल जाहिर सी बात है हुआ ही होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी को कब टफ क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे, किसी को इजी क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल 101% आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो आप लोगों का फर्स्ट डाउट तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। अब दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट, जो कि बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आगे अगली स्लाइड में बात कर लेते हैं। बहुत से कमेंट्स देखने को आते हैं कि सर आखिरकार नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। ऐसा मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट्स देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई फिक्स नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी फिक्स नहीं रहता कि आपका मार्क्स कितना बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका जो शिफ्ट है उसका जो लेवल है वो डिसाइड करता है कि आपके मार्क्स कितने बढ़ेंगे। जितने से जितनी ज्यादा आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी, टफ रही होगी, आपके क्वेश्चंस कठिन होंगे, उतने से उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा। बट फिर भी यदि हम माने तो आपके मार्क्स कहाँ तक बढ़ सकते हैं, हम आपको एक रेंज जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, इस चीज को हम 100% में डिवाइड करके देखते हैं कि आखिरकार कितने चांसेस होते हैं, कितने परसेंट की आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएं। फॉर एग्जांपल, 100% है कि आपके यहाँ पर क्या नॉर्मलाइजेशन होना है। अब दोस्तों, कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन, कितने बढ़ सकते हैं आपके नंबर, हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, आपके जो अभी तक देखे गए हैं आपके लास्ट ईयर के एग्जाम एंड और भी जो अदर एग्जाम है, कैंडिडेट का रिव्यू लेने के बाद बहुत सी चीजें ऐसी सामने निकल के आते हैं कि जो स्टूडेंट्स के 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके मार्क्स करीबन करीबन 5 से लेकर 10 इतने के समथिंग बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कहें कि 90% छात्र ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बढ़ते हैं कहाँ से, 5 से लेकर 10 तक। इससे ज्यादा मार्क्स ओनली 10% स्टूडेंट्स के ही बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको देखने को मिलेगा तो 90% छात्र ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 5 से लेकर 10 के बीच इंक्रीज हो जाते हैं, इतने ही बढ़ते हैं। मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपके नंबर जो हैं 5 से लेकर 10 के बीच बढ़ जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लकी पर्सन बोल सकते हैं हम जिनको, जी हाँ दोस्तों, वो 10% की कैटेगरी में ही आते हैं। उन लोगों के दोस्तों मार्क्स करीबन करीबन कभी होता है कि 10 से 20 बढ़ जाएं और कभी देखा जा सकता है कि 10 से 30 भी बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ बड़ी बात नहीं है। मेरे खुद के फ्रेंड का 65 आया था रेलवे में और वो जाके 79 पे पहुंच गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंक्रीज हो जाता है मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन।
यदि आपके मार्क्स बढ़ने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके मार्क्स 10 से लेकर 20 तक आराम से बिल्कुल इंक्रीज हो जाते हैं इसको दोस्तों। लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि करीबन करीबन आपके 10% चांसेस होते हैं कि आपके नंबर 10 से लेकर 20 तक बढ़े। बट बढ़ना मैक्सिमम होता है, घटना बहुत ही कम होता है। कुछ कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि ऐसा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट भी जाते हैं, तो जाहिर सी बात है मार्क्स घट भी जाते हैं क्योंकि ऐसा हुआ है, बहुत से कैंडिडेट का देखा भी गया है। लेकिन दोस्तों घटने के बिल्कुल प्रायिकता बिल्कुल मैं बोलूँ कि 1 से 2% ही होती है। मान चलिए यदि आपके मार्क्स घटेंगे ना तो 2 से 4 मार्क्स घटेंगे, और आपके 2 से 4 ही% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स घटते हैं। अदरवाइज आप लोगों के मार्क्स बढ़ने के चांसेस 99% होते हैं और बढ़ते ही हैं। अब यही है कि किसी का ज्यादा बढ़ जाता है, किसी का कम बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ता है। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। यदि आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम भी रहे हैं 1 से लेकर 2, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने कट ऑफ बताया है आप उस रेंज में आ रहे हैं। यदि आप 1 से 2 नंबर कम भी ला रहे हैं और उस रेंज में आ सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर डेफिनेटली डन हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और नेक्स्ट आपके डाउट क्या आ रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में, और बहुत से कमेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं सर कि आखिरकार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस शिफ्ट में ज्यादा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया था आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कैसा फील किया, आपका जो लेवल रहा वो इजी रहा, मॉडरेट रहा या फिर टफ रहा। लेकिन हाँ यदि आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बोल दूं, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था 12 तारीख को, क्योंकि फैंस पहले पहला एग्जाम रहता है, पहली पहली शिफ्ट रहती है, स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे नहीं कर पाता वो, क्योंकि पहली पहली बार रहता है, नॉलेज रहता नहीं कुछ। फॉर एग्जाम्पल यदि फर्स्ट शिफ्ट वाले का पेपर सेकंड शिफ्ट वाला स्टूडेंट जो जाने वाला है वो देख लेता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो अपना माइंड सेट करके जाता है कि हाँ भाई यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके चूंकि डियर फ्रेंड्स वीडियो स्टॉप हो गई थी, मेरे को पता नहीं चला कि वीडियो कहाँ पे स्टॉप हो गई, बट हाँ आप लोगों के जो डाउट्स है मैं फिर से बताना चाहूंगा कि बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर किस पाली में एग्जाम, किस पाली में हम लोगों का नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, नंबर सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा। बट फिर से बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को पता रहना चाहिए कि आपने जिस पाली में एग्जाम दिया था उसका लेवल क्या है, वो तो दोस्तों आप ही समझ सकते हैं चूंकि आपने पेपर दिया है। बट हाँ यदि आप मेरा ओपिनियन लेना चाहेंगे तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपका जो 12 तारीख का प्रथम शिफ्ट था उसमें आपके मार्क्स ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, चूंकि पहली पहली शिफ्ट रहती है, पहला पहला दिन रहता है, छात्रों के मन में बहुत से विचार आते हैं, पता नहीं रहता कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले, लेवल क्या रहा है एग्जाम का, कैसा क्या है, क्योंकि इसी रीजन बस उनका पेपर में मार्क्स ज्यादा नहीं आ पाता। हालांकि पढ़ने वाले का तो आ जाता है बट फिर भी बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं। यदि आप अदर शिफ्ट वालों की बात करें तो उनको फिक्स हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जाम का लेवल जे आ रहा है, तो वो उसी तरीके से अपनी माइंड सेट बनाता है और तैयारी करके जाता है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट वालों को मैं यहाँ पर प्रायोरिटी दूंगा कि इनके मार्क्स अधिक से अधिक इंक्रीज हो सकते हैं। ओके चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट और लास्ट डाउट जो कि बहुत ज्यादा पूछने को में आ रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लास्ट स्लाइड में, और आपका जो लास्ट डाउट है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपका लास्ट डाउट यही आ रहा है मैक्सिमम कैंडिडेट का, 99% कैंडिडेट का, कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपका रिजल्ट मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में कट ऑफ वाली, यदि आपने नहीं देखा उसको भी देख लेना। लेकिन दोस्तों आपको बता दें चूंकि अभी यहाँ पर कोरोना वायरस चल रहा है, आपको पता होगा पर डे हमारे यहाँ पर केसेस इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, कमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों संभावना जा रही है कि आपका जो मैंने बोला था कि माई लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों यदि ऐसा हो रहा है कि आपकी जो लॉकडाउन की सीमा है वो बढ़ रही है और यहाँ पे केसेस वगैरह इंक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है आपको इस टाइम पे भी देखने को ना मिले। हालांकि न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल 101% है कि मैं लास्ट में आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि ऐसा रहा, लॉकडाउन रहा, तो आप ही बताएं ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि जब जांच करने वाली कमेटी नहीं बैठेगी, कुछ नहीं होगा, तो आप लोगों के पेपर ही जांच नहीं होंगे तो कैसे क्या होगा। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है आसार समझ में आ रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा मैं लास्ट तक। क्यों? क्योंकि दोस्तों
हम यहाँ पे कंट्रोल करने की पूरी 100% कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी पूरी कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा जो जो हॉटस्पॉट है वहाँ पर सील कर दिया उन डिस्ट्रिक्ट को, उन सिटीज को। तो दोस्तों वो सील करने से ये हो रहा है कि जो अदर ऐसे स्टेट हैं या फिर अदर ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर कोरोना का के हर काम है उनमें क्रियाएं चल रही हैं, तो हो सकता है आपकी जो एक्टिविटी है एग्जाम से संबंधित वो कंटिन्यू हो जाए और आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। बट हाँ, जो भी हो लेकिन आपको अपने नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल टाइम नहीं गंवाना, क्योंकि आपका रिजल्ट आउट हो गया फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, आप पछताते ही रह जाएंगे। इसलिए आप अपनी तरफ से कोई कमी ना रखें, जब आए तब आए, आप तैयार रहें हमेशा। ओके, और फ्रेंड्स सीआईएसएफ वाले कैंडिडेट जो बोलते हैं सर आप क्लास कंटिन्यू करिए हिंदी की, तो आपसे बोलना चाहूंगा आपकी क्लास कल से ही हो सकता है कंटिन्यू होने वाली है हिंदी की। पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कराऊं, देन इसके बाद आपके जो एमसीक्यू हैं उनको लाऊं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके डायरेक्ट एमसीक्यू कराता हूं तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते, आपको पता नहीं रहता, तो आपको भी थोड़ा ऐसा फील होता है कि मेरी वीक है हिंदी। ऐसा नहीं है, मैं आपकी ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा, आपके या फिर छंद को ला रहा हूँ, अलंकार या फिर आपके रस, आप लोग जो कुछ भी बोलें मैं बोले कर आ जाऊंगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आपका पहले बता दूं, जो राजस्थान पटवारी है, यूपी पुलिस है, एमपी पुलिस मतलब SI, इनमें हिंदी भरपूर पूछी जाती है। इन्हीं सभी एग्जाम को टारगेट करके मैं हिंदी क्लासेस ला रहा हूँ, तो आप में से भी कोई हो जो पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए, मैं आपको कल से क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।